नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले क्वेश्चन है वो अपना 22वां हो जाएगा, ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री वालों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे कि आपको पता है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, हमने सारा के सारा देख लिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। उसके बाद कौन आया? हुमायूं आया, ठीक है। और अब हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद का जो साम्राज्य आता है अकबर, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। तो हमारा स्टार्ट क्या हो रहा है, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य है ना। मुगल साम्राज्य कितने शासक रहे भाई? सात। कौन कौन से? बादशाह, पहला बाबर, एच से हुमायूं, जे से अकबर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह जफर, ठीक है। बाद और यहां पर ए होगा, ठीक है, ए होगा। अकबर तो छूट ही गया है ना, अकबर। तो क्या हो जाएगा, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से क्या हो जाएगा शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और हमने बाबर देख लिया, हुमायूं देख लिया, और हमारा क्या चल रहा है भाई, अकबर यहां पर चल रहा है। तो अकबर को हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, अकबर की राजपूती नीति का वर्णन करो और परिणामों पर प्रकाश डालो, या इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, अकबर की राजपूती नीति का विवरण कीजिएगा। इसे तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, या पूछ सकता है कि अकबर की राजपूत नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसकी आलोचनाएं आपको लिखना है, ठीक है, यहां पर, और उसके बारे में बताना है। राजपूती नीति जो थी किसकी? अकबर की, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तर डालते हैं, है ना। सबसे पहले क्या डालते हैं, उत्तर डालते हैं, उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अकबर के बारे में जितना कुछ जानकारी है सब लिख दो, मुगल साम्राज्य के प्रथम अंतिम सब कुछ जितने भी शासक है सबको लिख दो, ठीक है, यहां पर। उसके बाद थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो बात करते हैं, अकबर एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक था। कैसा था? बुद्धिमान तो था ही और दूरदर्शी था, वह आगे की सोचता था, वह एक महान कूटनीतिज्ञ था, वह भारत के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, अतः इस कार्य में उसने राजपूतों के सहयोग लेने का निर्णय किया। डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने कहा है, डॉक्टर ईसवी प्रसाद जो हैं, उन्होंने लिखा है, बिना राजपूतों के भारतीय साम्राज्य संभव ना था, और बिना इसके विवेकपूर्ण सक्रिय सहयोग से सामाजिक तथा राजनीतिक एकता स्थापित करना भी संभव नहीं था, ठीक है, कह सकते हैं नहीं हो सकती थी। अतः उसने राजपूतों के साथ उदारता तथा सहयोग की नीति को अपनाना और उनके अपने मित्र बनाने का प्रयास किया। ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको पता ही है, राजनीतिक एकता स्थापित की थी, अतः उसने राजपूतों के साथ उदारता और सहयोग की नीति अपनाना और उसके अपना मित्र बनाने का प्रयास किया था। किसको? राजपूतों को, ठीक है। अकबर की राजपूती नीति क्या थी, अब यहां पर देखेंगे। अकबर की राजपूती नीति एक व्यावहारिक रूप से निम्नलिखित थी। पहली जो नीति हो जाती है वह हो जाती है वैवाहिक नीति, क्योंकि इसने राजपूतों की जो रानी महा जो राजकुमारी वगैरह होती है उनसे शादी की थी। तो अकबर ने सर्वप्रथम कौन था, ओमेर के राजा होते थे भारमल, भारमल की कन्या थी जोधाबाई। आपको पता ही है कि अकबर की शादी किससे हुई थी, जोधाबाई से हुई थी, जिनके पिता का नाम क्या था, भारमल, भारमल की कन्या थी जोधाबाई, से विवाह किया। इसके बाद जैसलमेर के राजा, जैसलमेर तथा बीकानेर की राजकुमारियों से विवाह किया। उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानसिंह की बहन, किससे, बहन मानबाई के साथ किया था। सलीम का विवाह किससे हुआ था, मानबाई से हुआ था। बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है, राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। किसको? राजपूतों को इसने उच्च पदान प्रदान किए थे, जैसे कि अकबर ने राजपूतों के प्रत्येक विभाग में उच्च विश्वसनीय पद प्रदान किए। ओमेर के राजा भारमल को पंच हजारी मनसब और उसके पुत्र भगवान दास को और पौत्र मान सिंह को भी सेना के उच्च पद प्रदान किए गए। राजा टोडरमल को दीवान के पद पर प्रदान किया गया और राजा बीरबल को नव रत्नों में शामिल किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहां से क्या बनेगा, टोडरमल अकबर के दरबार में कौन थे, ठीक है, तो भाई दीवान थे, ध्यान रखना,
कौन थे? दीवान थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता है। और बीरबल कौन थे? तो बीरबल हो जाते हैं नवरत्नों में से एक। ठीक है, यहां पर फैजी वगैरह सभी हो जाते हैं जो हमने पहले देख रखे हैं। बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि विजित राजपूतों का अभ्यादान देना। क्या? विजित राजपूतों को अभ्यादान देना, मतलब विजित राजपूत होते हैं उनको अभ्यादान देना। जो राजपूत राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे वह अभ्यादान देकर उसका राज्य उसे वापस कर देता था और मित्र बना लेता था। ठीक है, ये हो जाता है राजपूतों पर अभ्यादान देना अकबर के तहत। और जो अपना चौथा पॉइंट हो जाता है वो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता देखने को यहां पर मिल जाती है। जैसे कि अकबर ने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसने अपनी हिंदू रानियों को भी पूजा पाठ के लिए स्वतंत्रता दी थी और उसने हिंदुओं पर जजिया तथा तीर्थ कर को भी समाप्त किया था। जो जजिया कर लगाया था और जो तीर्थ कर लगा हुआ था उसको इसने समाप्त किया था। बात करते हैं, फाइव पॉइंट होता है दुर्गों का हस्तांतरण। यदि साम्राज्य कोई सुरक्षा के लिए अकबर किसी दुर्ग को महत्वपूर्ण समझता था तो उस दुर्ग के बदले वह दुर्ग के स्वामी को कोई अन्य दुर्ग अथवा जागीर प्रदान कर देता था। दुर्ग क्या होते हैं? दुर्ग उसे कहते हैं जैसे हमारी कोई सीमा है उस पर, यहां पर हमने कोई ऐसा दुर्ग बना हुआ है जहां से हम आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, जहां से हम दूसरे राज्य पर या कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम वहां पर अपनी सहायता के लिए यहां पर बिल्डिंग वगैरह बनी होती है। ठीक है, दुर्ग उसे कहते हैं कि वहां से हम लड़ सकें, अपने अपने राज्य की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो वह दुर्ग के बदले क्या देता था? जागीर प्रदान कर दिया करता था। आगे बढ़ते हैं, छठी हेडिंग हो जाती है राजपूतों को आंतरिक शासन की स्वतंत्रता प्रदान करना। किसको? राजपूतों को आंतरिक शासन की स्वतंत्रता प्रदान करना। जो राजपूत राजा के बिना युद्ध किए हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनको अकबर आंतरिक शासन की स्वतंत्रता प्रदान करता था कि आप हमारे यहां पर आ सकते हो, घूम सकते हो और व्यापार कर सकते हो। आगे जो हो जाती है वो हो जाती है अपनी हेडिंग कि विरोधी राजपूत राज्यों के प्रति विजय की नीति। ठीक है, जो विरोधी राजपूत हुआ करते थे उन पर यह युद्ध किया करता था। जिन राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार ना की उनके विरुद्ध उसने युद्ध किया और पराजित करने का भरसक प्रयास किया, है ना, भरसक प्रयास किया, संभव प्रयास किया। ठीक है, और रणथंभौर और चित्तौड़ के विरुद्ध उसने इस नीति का पालन किया था। आपको पता है अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, है ना। बात करते हैं, आठवां पॉइंट है साम्राज्य और विस्तार में राजपूतों का सहयोग। जो राज्य होता है उसका विस्तार करने में, ठीक है, तो अकबर ने साम्राज्य के विस्तार में राजपूतों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया। उसमें राजपूतों की सेना में भर्ती किया और उन्हें ऊंचे समन प्रदान किए। उसने राजपूत सेना का प्रयोग ना केवल मुसलमानों के विरुद्ध बल्कि राजपूत शासकों के विरुद्ध भी किया। ठीक है, तो यहां पर मुसलमानों के साथ तो युद्ध हुए ही थे, साथ में राजपूतों के साथ भी युद्ध हुए थे जिसमें राजपूतों ने राजपूतों को कह सकते हैं विरुद्ध लड़ाई वगैरह हुई थी। ठीक है, फिर राजपूत नीति के परिणाम क्या देखने को मिले ये देख सकते हैं। ठीक है, राजपूत नीति के जो परिणाम हो जाते हैं वो क्या देखने को मिल जाते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है अपना कि मुगल साम्राज्य का राजपूतों के खतरे से छुटकारा। जो मुगल साम्राज्य था उस पर राजपूत बार बार आक्रमण कर रहे थे, उससे क्या हुआ था, इसे छुटकारा मिल गया था। तो मुगल साम्राज्य के लिए राजपूतों का खतरा दूर हो गया। इससे पहले राजपूतों की सदा मुसलमान शासकों को डर रहता था कि वहीं कहीं वे उसके राज्य को नष्ट ना कर दें। अकबर ने मित्रता और लाई द्वारा बहुत से राजपूतों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य अपने भय से मुक्त हो गया। ठीक है, बाकी देखते हैं, सेकंड पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसको देखो। ठीक है, ये कह रहा है मुगल साम्राज्य को राजपूतों के बहुमूल्य सेवाओं की प्राप्ति। तो जो राजपूत मुगल साम्राज्य के वफादार सेवक बन गए थे वे राजपूत मुगल साम्राज्य के भीतर एक शक्ति का साधन बने, इसके विरुद्ध नहीं थे। शक्ति का साधन बने मगर उसके विरुद्ध नहीं थे। यदि राजपूतों को शत्रुता बहुत खतरनाक थी तो मित्रता अब उतनी ही मूल्यवान सिद्ध हुई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सेवा में ही अपना रक्त बहान आरंभ कर दिया।
हेडिंग पॉइंट रहती है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं स्थिरता, मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं स्थिरता। अकबर राजपूतों की सहायता से अपने मुसलमान शत्रुओं का दमन कर सकता, सॉरी अकबर जो था वो राजपूतों की सहायता से मुसलमान शत्रुओं का दमन कर सका और अपने साम्राज्य की विशाल करने तथा इसे स्थिर रखने में सफल हुआ। भगवान दास, मान सिंह, अन्य राजपूत सरदारों ने बहुत सी विजय प्राप्त की, इसी कारण साम्राज्य का दूर दूर तक फैलाव हुआ, साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार हुआ। जो फोर पॉइंट है वो जाता है हिंदुओं का मुगल साम्राज्य के पक्ष में होना, ठीक है, हिंदुओं का मुगल साम्राज्य के पक्ष में होना। भारत के लाखों हिंदू भी इस नीति के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य के पक्ष में हो गए। इससे पहले हिंदू मुसलमानों की विदेशी समझते थे तथा उससे घृणा करते थे, परंतु अकबर ने राजपूतों और हिंदुओं के प्रति मैत्रीपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप वे अब मुगल साम्राज्य को पसंद करने लगे और उसकी उन्नति की प्रार्थना करने लगे। इससे अकबर की भारत में सम्राट, भारत में राष्ट्र निर्माण की इच्छा पूर्ण हो गई। जो भारत में राष्ट्र निर्माण की शिक्षा, सॉरी इच्छा जो थी किसकी, अकबर की, वो यहां पर क्या हुई, पूर्ण होती हुई दिखी, ठीक है, या पूर्ण हुई। फाइवा पॉइंट रहता है कला एवं साहित्य का विकास भी यहां पर देखने को मिलता है। तो कला और साहित्य की उन्नति में भी इस नीति ने कोई कम प्रभाव न डाला। राजपूतों के साथ संपर्क होने से मुगल काल की भवन काल, चित्रकला और संगीत कला आदि हिंदुओं की कला का काफी विशेषताएं आ गईं। इसी प्रकार हिंदी, संस्कृत और फारसी भी साहित्य की उन्नति पर भी दोनों जातियों को मेल जोल का काफी प्रभाव देखने को यहां पर मिलता है। सिक्स पॉइंट जो हो जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट देखा है साम्राज्य को शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति हुई, क्योंकि तो दोनों मिल गए थे, तो इस नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई, और शासन प्रबंधन की प्रशंसनीय विकास हुआ। शासन प्रबंधन जो था उसका प्रशंसनीय विकास देखने को मिला। व्यापार को तो विशेष रूप में प्रोत्साहन मिला ही, क्योंकि व्यापार जो था वो एक राज्य से मतलब दूसरा राज्य था उसमें होने लगा, एक दूसरे के मित्र बन गए यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सहयोगी भी बन गए थे। अकबर महानता की ओर अग्रसर देखने को मिलता है। तो अकबर की कुशल राजपूत नीति के कारण ही प्रत्येक क्षेत्र में मुगल साम्राज्य की उन्नति होने लगी और अकबर भारत के एक महान शासक बनने का अधिकार हो सका, ठीक है। अकबर को एक महान शासक बनने का अधिकार देखने को यहां पर मिलता है। आठवां पॉइंट रहता है राजपूतों को लाभ। राजपूतों के लिए यह नीति महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। एक तो छोटी छोटी राजपूत रियासतें मुगल साम्राज्य का शिकार होने से बच गईं, दूसरे बहुत से राजपूत सरदारों को जिन्होंने साम्राज्य की सेवा में प्रवेश किया था अपनी वीरता और अन्य गुणों का प्रदर्शन करने में अवसर प्राप्त हुए, ठीक है, अपनी वीरता को दिखाने के लिए अवसर प्राप्त हुए। फिर देखेंगे लास्ट में, फिर अवसर प्राप्त हुए, ठीक है, कहां तक देख लिया हमने, राजपूतों को, सरदारों को अवसर प्राप्त हुए और इतिहास में भी अपना नाम पैदा कर सके। तो यहां पर जो राजपूतों संबंधित हो जाता है नीति, वो यहां पर भी अपनी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिस किसी को पीडीएफ डाउनलोड करना है वो बिल्कुल डाउनलोड कर सकता है www.paperhacker.in। जो आपकी पट्टी यहां पर चल रहे थे सारे के सारे, जो भी आपको नोट्स डाउनलोड करना है आपको बिल्कुल हमारी साइट पर प्रोवाइड हो जाएगा। चाहे आप कंप्लीट एग्जाम डाउनलोड, कंपिटेटिव कोई भी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी हो जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी की आपको बुक यहां पर मिल जाती है, ठीक है, और नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर जय हिंद, जय भारत।